बेलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पानी टंकी के नजदीक उस समय अफरा तफरी मच गई जब मिट्टी की एक ऊंची दीवार भरभरा कर गिर गई और काम कर रहे मजदूर इसके नीचे दब गए। इस हादसे में कुल 11 मजदूर मलबे की चपेट में आ गए, जिनमें से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तत्काल BHU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। काम कर रहे थे, वो अंदर कुर्ते जा रहे थे, सारा करार गिर गया। सभी लोग, यहाँ 11 लोग काम कर, 6 लोग घायल है सर। एक आदमी मर गया, दूसरा आदमी अभी, 2 लोग और सीरियस है। 7 लोग को भी बचने को आशा नहीं है। कितने लोग सीरियस है? सीरियस अभी 2 लोग और है सर। टोटल घायल कितने लोग? टोटल घायल हुए 6 लोग। सारे लोग कहाँ के रहने वाले? सारा लोग रहने वाले सर कवासा के, जिनापुर के आगे। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के चौका घाट के पास गीता नगर कॉलोनी स्थित मकान में किराए के कमरे में डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस नरेंद्र शर्मा मृत मिले। उस सूचना के बाद ACP सारनाथ अतुल अंजान त्रिपाठी के साथ ही फॉरेंसिक और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, वहीं घटनास्थल की छानबीन में जुटी रही। जनसा थाना के हाथी बाजार में हौसला बुलंद बदमाशों ने पूर्व प्रधान मनीष ठाकुर के ऑफिस पर 5-6 राउंड फायरिंग की। गोली शीशे को तोड़ते हुए मोबाइल फोन पर जाकर लगी। संयोग अच्छा था कि लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना के बाद ADCP आकाश पटेल समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना के बाबत जानकारी ली, वहीं छानबीन में जुटी रही। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा और आगामी देव दीपावली की तैयारियों को लेकर वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी, मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा और जिलाधिकारी SRajalingam ने विशेष निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सामने घाट से लेकर नमो घाट तक का जायजा लिया और तैयारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। घाटों पर सफाई व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी काफी संतुष्ट नजर आए। बनारस पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को धार्मिक स्वतंत्रता पर खुलकर बात की। उन्होंने मीडिया से कहा कि भारत में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। संतों की इस मांग पर कि गैर मुसलमानों को भी धार्मिक स्थलों पर खुली पहुंच और पारदर्शिता मिलनी चाहिए, मंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना कर सकता है। देखिए, कहीं किसी को पाबंदी नहीं होगी। जो जिस धर्म को मानता है वो अपने धर्म के हिसाब से अपना काम करे। अगर मुसलमान भी मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहा है तो कोई दिक्कत हो रही है, अगर हिंदू भी जाकर के चादर चढ़ा रहा है। हम तो अक्सर देखते हैं बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, तमाम इलाकों में, लखनऊ जैसे लोगों में, हम अम्बेडकर नगर देखते हैं कि हिंदू धर्म के लोग जाकर के मस्जिदों में चादर चढ़ाते हैं। लेकिन वक्ती तौर में इस समय के माहौल, देखिए अलग अलग लोगों, देखिए एक बात बता दें कि अलग अलग लोगों की सोच है, अलग अलग विचार है। हम भी तो गए थे राजस्थान में, देखे कि वहाँ प्रधानमंत्री तक ले जाकर चादर चढ़ाते हैं। और क्या कहा जाए। एक्टर एवं गोरखपुर सांसद रवि किशन ने बुधवार को बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। रवि किशन ने सिंगम 3 की सफलता पर मिली बधाइयों और लापता लेडीज के ऑस्कर में जाने पर जनता का आभार व्यक्त किया। बहुत आज छठ माई के एक दिन एकादशी के पहले भाई लिए बहुत सुंदर दर्शन रहा, बहुत अच्छा। हाँ, गए थे, सिंगम हिट हो गई, उसके लिए धन्यवाद भी सबको। और उसके बाद लापता लेडीज ऑस्कर में चल गई, तो ये अभी मामला लीगल है, हिट हुई, तो ये सब बिग बॉस बड़ा पसंद कर रहे हैं। ये सब बड़ा ऐतिहासिक कार्य। अरे प्रधानमंत्री जी एकदम बदल देना, आज यहाँ पर ताज में, नदेसर में 80,000 रुपए में कमरा मिल रहा है। सोचिए टूरिज्म कितना बढ़ गया, 80,000 रुपए में कमरा मिलता, ये हो गया बनारस। बाहरे महादेव की कृपा, बाहरे मोदी जी, मोदी जी धन्य कर देना ये पूरे महादेव, पूरा ये पूरे काशी के। 80,000 रुपए में होटल का कमरा, कितना अच्छा लग रहा है सुन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में राजेंद्र गुप्ता और उनके परिवार की निर्मम हत्या ने पूरे शहर को सदमे में डाल दिया। इस हृदय विदारक घटना में राजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी और बच्चों सहित पूरे परिवार को बर्बरता से मार दिया गया। इस घटना के विरोध में बुधवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामनगर के शास्त्री चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकालकर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना किया बच्चों का। उसी संदर्भ में आज एक कार्यक्रम था और हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की सोई हुई योगी जी को जगाना चाहते हैं, जो उनके राज में भ्रष्टाचार चरम पे है, बलात्कार चरम पे है, अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है, गुंडे जो है घर में घुस करके गोली चला रहे हैं उनके राज में। यही माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जहां पे कल दुस्साहस का काम अपराधियों द्वारा किया गया, 5 लोगों की हत्या कर दी गई,
माननीय योगी जी के राज में। तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से राज्य संभल नहीं रहा है उत्तर प्रदेश, वो अपने पद से इस्तीफा दे, यही कहना है। छठ पूजा का महापर्व शुरू होते ही यूपी और बिहार जाने के लिए लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में उमड़ पड़ी है। वाराणसी समेत सभी बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की लंबी कतारें देखी जा रही है। भारी संख्या में लोग अपने परिवार के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टिकट की उपलब्धता कम होने और ट्रेनों में जगह की कमी से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए व्यवस्था की है कि अगर आपातकाल हो तो हम 3 अतिरिक्त टिकट काउंटर्स चला सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी सभी यात्री सुविधाएं हैं, जैसे एस्केलेटर्स हैं, जैसे हमारी लिफ्ट्स हैं, जैसे लाइटनिंग है, वाटर है, उसके लिए हमने स्पेशल टीम्स बनाई हैं कि वो हमेशा काम करते रहें। क्राउड कंट्रोल के लिए आरपीएफ को निर्देश दिया है कि वो अपने सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग करते रहें और जो रूटीन में अपनी गश्त है वो करते रहें ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का भीड़ ना रहे। इसके अलावा स्टेशंस पर प्रॉपर अनाउंसमेंट, प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट, ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड पे प्रॉपर उसका डिस्प्ले होता रहे और किसी भी ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है वो बदला ना जाए। मान के जब भीड़ आती है तो अगर कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो कैसे पता चलेगा उसको? इसके लिए हमारी जो टीम्स हैं उनके हमने हर विभाग की ड्यूटी लगाई हुई है। हर विभाग के सुपरवाइजर्स अपनी अपनी ड्यूटी में कार्यरत हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया हमारे पास कैमराज हैं, मॉनिटरिंग हम उस पर करते हैं और हमारा कोशिश ये है कि हम प्रिवेंटिव एक्शन पहले ले लें ताकि ऐसी किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। शहर में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं और बाजारों में रौनक देखी जा रही है। बुधवार को काशी के विभिन्न बाजारों में पूजन सामग्री और फलों की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। बनारस के कई क्षेत्रों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजाई और लोग फलों व पूजा में उपयोग होने वाली सामग्रियों की खरीदारी में व्यस्त दिखे। यातायात सुचारू रहे इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही है। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदानी इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। पुलिस इसे अब हत्या के एंगल से देख रही है। इस हत्याकांड के पीछे पुरानी दुश्मनी, संपत्ति विवाद और अन्य संभावित कारणों को खंगाल रही है। इस मामले में पुलिस ने मृतक राजेंद्र के भतीजे और परिवार के घर में खाना बनाने वाली नौकरानी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है।